हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज के वीडियो में हम लोग रिव्यू करेंगे टर्बो क्रे एलईडी हेडलाइट का। तो ये वीडियो में इसका एक वीडियो मैंने बनाया था 3 साल पहले। एक मैंने वीडियो बनाया था ये सेम हेडलाइट का। वो टाइम पे उसका बॉक्स पैकिंग अलग था, सिंगल हेडलाइट का बॉक्स आता था। अभी ये 2 आने लग गया है और ये काफी पुराना प्रोडक्ट है ये। लेकिन मैंने एक ही बार इसका वीडियो यूज किया था, फिर बाद में मैंने इसको कभी इसको वापस अपने पोर्टफोलियो में मैंने इसको इंट्रोड्यूस नहीं किया था। लेकिन अभी मैं वापस इसको किया है, मैंने इंट्रोड्यूस किया है। काफी अच्छा हेडलाइट है ये। जब मैंने वो टाइम पे यूज किया था उसका अच्छा था, लेकिन वो जो वीडियो बनाया था वो एक्चुअली ठीक से हुआ नहीं था। वो वीडियो एक 3 साल पहले का वीडियो था। तो अभी मैं इसको वापस से इसको मैं रिव्यू कर रहा हूँ। वापस हम लोग इसका हेडलाइट, इसका ब्राइटनेस हम लोग सब चेक करेंगे। तो इसका स्पेसिफिकेशन हम लोग पहले चेक कर लेते हैं। तो ये है 6000 केल्विन का है कलर टेम्परेचर इसका। इसका वर्किंग वोल्टेज है 8 to 48 वोल्ट और ये एकदम वाइट नेचुरल लाइट जैसा है। कैनवास फैसिलिटी है इसके अंदर। बाकी साइड से तो ऐसा कुछ है नहीं। इसका वैट्स वगैरह इस पर कुछ लिखा नहीं है, लेकिन हम लोग जो इसका पावर कंजम्पशन चेक करेंगे। और ये H4 फिटिंग है ये। तो इसमें इन्होंने 40 वाट लिखा है, लेकिन एक्चुअल पावर कंजम्पशन देखते हैं हम लोग क्या आता है इसके अंदर। मैं आपको इसको ओपन करके मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये ऐसी हेडलाइट आती है। तो ये रिंग इसकी फिक्स आती है। दिखती है, निकलती है क्या? नहीं, फिक्स है ये। हाँ, शायद निकल भी सकती है इसमें, लेकिन चलो ठीक है, पहले से सेट किया हुआ है। तो ये साइड फेसिंग एलईडी है ये, और इसमें यहाँ पे 3 एलईडी, यहाँ पे 3, तो टोटल 6 है। तो जब भी लो बीम करेंगे ना, तो ये ऊपर की 2 और ये वाली 2 जो बाजू बाजू में ना वो जलती है, और हाई बीम करेंगे ना तो सब जलेगी। और ये है ना, ये एक्चुअली क्री एलईडी है। इसके एलईडी आप देखेंगे ना अलग अलग टाइप की है। जो M02H और नाइट आई आती है ना वैसी नहीं है, ये अलग है। ये क्री एलईडी बोलते हैं इसको। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया था, फॉग लाइट का एक वीडियो भी बनाया था। वही सेम एलईडी है, ये क्री एलईडी है। बाकी इसमें ऐसा ही कैनवास आता है, इसमें कुछ लिखा नहीं है कैनवास पे। ये सेम वही ये चीज है जो मैंने बहुत पहले वीडियो बनाई थी, वैसे ही सेम टू सेम है। और ये H4 है। तो एक बॉक्स में ये 2 आती है, तो आपको सिंगल चाहिए तो सिंगल भी आपको मिल जाएगा। मैं आपको एक बार इसको ऑन करके दिखा देता हूँ। एक अपन लोग है इसका एक बार वर्किंग वोल्टेज भी चेक करेंगे, पावर कंजम्पशन एक बार चेक करेंगे कैसा है। तो ये अभी फिलहाल मैंने लो बीम ऑन किया है। अभी ये हाई बीम हो गई, सभी एलईडी सभी ऑन हो गई इसके अंदर। अभी मैं आपको इसका पावर कंजम्पशन दिखाता हूँ। तो अभी आपको इसका वर्किंग वोल्टेज दिखाता हूँ। मैं इसको कवर करके रखा हूँ, नहीं तो क्या होगा, इसका लाइट का जो ब्राइटनेस है ना सीधा आएगा, तो दिखेगा नहीं वो ठीक से। और मैंने पूरा कनेक्शन करके रखा है। तो अभी इसको सबसे पहले मैं लो बीम ऑन करता हूँ। तो लो बीम है इसका 2.07 एम्पियर का पावर कंजम्पशन है लो बीम। अभी इसका हाई बीम चेक करते हैं। तो हाई बीम है 2.36 है। ज्यादा हो गया है, 2.4 का पावर कंजम्पशन है इसका हाई बीम टू। और वापिस से हम लोग एक बार इसका लो बीम चेक करते हैं। तो लो बीम है 2.02 अभी हो रहा है, 01। और हाई बीम इसका मतलब फ्लक्चुएट हो रहा है, एक अराउंड 2.4 तक ऐसे जाता है। तो ये इसका पावर कंजम्पशन है। तो इसमें जो बॉक्स पे लिखा है 40 वाट का, और इसका पावर जो हाई बीम का पावर कंजम्पशन है वो 2.4 एम्पियर जाता है। लेकिन अगर RTD M02H जो आती है ना वो 42 वाट की है, लेकिन उसका जो पावर कंजम्पशन है वो इससे कम है। वो कुछ अराउंड मैक्सिमम 1 एम्पियर तक जाता है वो, उसका पावर कंजम्पशन। तो अभी ठीक है, अभी इसको हम लोग जो है अभी मैं इसको मैं अपनी एक्टिवा पे एक बार लगा के इसको चेक करूंगा। और अगर पॉसिबल हुआ तो उसके बाद मैं जो है मैं होंडा शाइन का भी मैं एक बार इसको चेक करके बताऊंगा कि उसमें कैसा दिखाई देता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको एक्टिवा में लगा के इसको अपन लोग इसका ब्राइटनेस चेक करेंगे कैसा दिखता है, क्या है रिजल्ट है। और अगर आपको ये परचेस करना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर आपको मिल जाएगा, तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं इसका परचेस करने के लिए। ठीक है, तो चलिए फिर अभी हम लोग इसका ब्राइटनेस चेक करते हैं। तो अभी मैं आपको इसका ब्राइटनेस दिखाता हूँ टर्बो क्री एलईडी का।
तो इसको अपनी एक्टिवा में अभी इंस्टॉल करके रख दिया। बाकी डीसी कनेक्शन कंपलसरी होता है, और बाकी तो जो सब वीडियो था ऐसे बना हुआ ही है कि डीसी कैसे करने का, और ये कॉमन चीज़ है एलईडी के लिए डीसी कनेक्शन होना चाहिए। कुछ BS6 के को अभी मेजोरिटी सभी में ऐसा दिया है कि डायरेक्ट डीसी पहले से दिया हुआ कंपनी से, तो कोई टेंशन नहीं उसमें, लेकिन फिर भी मैं एडवाइस करूंगा कि उसको चेक करके करना है एक बार। अभी मैं इसको हेडलाइट इसका ऑन कर देता हूँ, तो ये इसका ब्राइटनेस है। तो ये देखिए, ये मेरी एक्टिवा और ये कहाँ पे लाइट हो रहा है। और दूसरा एक चीज बता देता हूँ कि इसका जो रिफ्लेक्टर है ना फुल डाउन करके रखा है, क्योंकि मैंने जब एक वीडियो बनाया था CYT V4 का जो वीडियो बनाया था ना, तो उसके लिए मैंने फुल डाउन करके रखा था। तो अभी तक ये वैसे ही वही सेटिंग पे, इसको मैंने अभी तक ऊपर नहीं किया है। अगर मैं इसको थोड़ा सा और ऊपर करूंगा ना, तो जो रिफ्लेक्शन जो आपको नीचे जो रोड पे दिख रहा है ना, वो थोड़ा सा और ऊपर जाएगा। अभी ये लो बीम है, मैं इसको अभी हाई बीम करता हूँ, तो हाई बीम में आपको दिखेगा कि वहां पे थोड़ा सा आगे लाइट होता है, मतलब इसमें आपको फर्क दिख रहा है, इसमें ये हेडलाइट में डिफरेंस आता है, ये देखिए। बाकी मेजोरिटी कैसा होता है ना कि एक्टिवा में ना इसका डिफरेंस कुछ पता नहीं चलता है, क्योंकि रिफ्लेक्टर इसका बहुत छोटा है। ये हेडलाइट में आपको डिफरेंस आपको पता चल रहा है, हाई बीम लो बीम जो है इसमें आपको दिख रहा है। अगर इसमें अगर अच्छे से अगर आपको दिख रहा है ना, मतलब ये हेडलाइट आप एलईडी आप किसी भी हेडलाइट में आप डालेंगे ना, आपको अच्छा रिजल्ट डेफिनेटली आपको मिलेगा। वापिस एक बार दिखा देता हूँ, तो ये देखिए, ये लो बीम हो गया और ये हाई बीम, मतलब डिफरेंस इसमें काफी अच्छे से पता चल रहा है। और जो इसका जो असेंबली है वो फुल डाउन करके रखा है, वो रिफ्लेक्टर का पूरा फुल डाउन है। थोड़ा सा ऊपर करूंगा तो और एकदम अच्छे से आ जाएगा। तो ये देखिए, ये लो बीम, ये हाई बीम, ये लो बीम और ये हाई बीम, ये काफी अच्छा रिस्पांस आ रहा है इसके अंदर ये लाइट का। और अगर आपको ये परचेस करना है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर दिया हुआ है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और मेरा व्हाट्सएप प्रोफाइल में जो है ना, ये पूरा कैटलॉग मैंने बनाया हुआ है, तो उसमें काफी सारे रेंज है, अलग अलग एलईडी हेडलाइट है, फॉग लाइट है, काफी सारी छोटी छोटी चीजें एसेसरीज है, वो भी आप देख सकते हैं। अगर आपको कुछ भी अगर ऑर्डर करवाना है तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वापस एक बार दिखा देता हूँ, ये देखिए, लो बीम हो गया और ये हाई बीम, ये लो बीम और ये हाई बीम, काफी अच्छा रिस्पांस है, काफी अच्छा। अगर आपको एक्टिवा में लगाना है तो आप लगा सकते हैं, काफी अच्छा लाइट आ रहा है। और नीचे रोड पे भी इसका थ्रो जो है ना, काफी अच्छा भी आ रहा है। मैं एक बार एक काम करता हूँ, इसको अभी साइड स्टैंड पे लगाता हूँ, थोड़ा दूर से आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, इस साइड से आप देख लीजिए, तो ये मेरी एक्टिवा दिखे कहाँ पे और इसका लाइट कहाँ तक जा रहा है। फुल डाउन है रिफ्लेक्टर, फिर भी ये इसके यहाँ तक जा रहा है। और मैं इसको हाई बीम कर देता हूँ, तो ये देखिए, अगर हाई बीम किया तो थोड़ा सा और आगे अच्छे से जा रहा है। मैं यहाँ से आपको दिखा देता हूँ, साइड से दिखा देता हूँ। देखिए, तो काफी अच्छा एक्चुअली रिस्पॉन्स है, मोबाइल से एक्चुअली इतना नहीं पता चलेगा, लेकिन एक्चुअली में डिफरेंस उसमें दिखाई देता है इसको। ठीक है फ्रेंड्स, तो बाकी अगर आपको परचेस करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।